हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, हाउ टू गेट 100% रिटर्न्स इन 1 वीक बाय इक्विटी ऑप्शंस। आप लोग स्टॉक मार्केट में इसके लिए ही रहते हैं कि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेने को रेडी हो, बट आपको रिस्क के मल्टीपल टाइम्स रिटर्न्स की अपेक्षा रहती है। तो आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज मोस्टली ऑन ऑप्शंस, एंड जहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रिस्क। और ये कैसे करना है मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में बताने वाला हूँ। अगर आप बेसिक्स जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड विजिट ऑन टी स्टॉक मंत्रा इन्वेस्टमेंट साइट्स एंड सी मेनी वीडियोस रिलेटेड टू, देख सकते हैं। आज का वीडियो थोड़ा एडवांस रहेगा। एज यूजुअल एनी कमेंट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट अस ऑन द बॉक्स बिलो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर टी स्टॉक मंत्रा इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो आज का जो स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। सो आज मैं आपको बैंक ऑफ इंडिया पे एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। अब पहले तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन रहेगा, वेदर आई शुड गो लॉन्ग और शॉर्ट ऑन बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले ये कैसे डिसाइड करेंगे, लेट अस गो बैक फर्स्ट टू निफ्टी चार्ट। निफ्टी क्या कर रही है, ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है। सो ये देखने के लिए हमने वीकली चार्ट देखा, एंड ऑन वीकली व्हाट वी हैव फाउंड आउट इज कि पहले एक बड़ा कैंडल ग्रीन फॉर्म हो गया, उसके बाद में एक दोजी, एंड देन निफ्टी हैज गॉन डाउन। सो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले 1 या 2 वीक निफ्टी नीचे जा सकती है, एंड इट मे टेक सपोर्ट समवेयर अबाउट 10,800। This is what we feel, but this is not important. What is more important is कि Nifty का direction bearish है फिलहाल। So इसका मतलब हमें Bank of India में sell करना है rather than buy. Okay? तो पहला तो ये decide हो गया कि we are selecting Bank of India to sell. बाद में मैंने और क्या देखा, तो मैंने ये देखा कि sector wise क्या लग रहा है। So if you see sector wise, अगेन मैं वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें लार्जर ओवरऑल ट्रेंड क्या है वो मालूम रहना चाहिए। इफ यू सी दिस सपोर्ट ऑफ पीएसयू, निफ्टी पीएसयू बैंक, दिस वॉज ब्रोकन, एंड एट द सेम टाइम एक कंफर्मेशन भी मिल गया, सपोर्ट वॉज रीटेस्टेड हियर एज अ रेजिस्टेंस और वो नीचे जा रहा है। सो सेक्टर वाइज भी एंटायर पीएसयू बैंक इज गोइंग डाउन, सो देर आर वेरी गुड चांसेस कि ये और नीचे गिरेगा in the coming week also. So we have confirmed here ki yes, hum log ne jo PSU sector select kiya hai for trading, that is correct. Okay, in that let us go to now Bank of India. Bank of India mein agar aap dekhoge, this is the chart of Bank of India, this is a weekly chart. Pehla to hum larger time frame mein bhi dekh sakte hain, monthly mein kya support hai yahan pe. If you see, थोड़ा सा बड़ा करता हूं ये मैं, ओके। सो इफ यू सी हियर, प्रीवियस सपोर्ट इज समवेयर एट दिस लेवल, इफ यू सी इट इज 78.96 या 79 आप पकड़ लो। सो दिस सपोर्ट इज ऑलरेडी ब्रोकन इन द मंथली चार्ट। वीकली में क्या चल रहा है, वीकली में इफ यू सी द सपोर्ट वॉज टेस्टेड एज अ रेजिस्टेंस एंड इट हैज गॉन डाउन। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वीकली में भी ये नीचे आने वाला है बैंक ऑफ इंडिया। सो हम लोग ने क्या देखा, निफ्टी 50 गोइंग डाउन फॉर नेक्स्ट वीक, पीएसयू बैंक सेक्टर गोइंग डाउन फॉर नेक्स्ट वीक, एंड बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो गोइंग डाउन। ओके, सो वी हैव टेकन 3 कंफर्मेशन। अभी हमें क्या करना है, बिफोर गोइंग टू ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्ट द एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट इन इक्विटी स्पॉट। दिस बैंक ऑफ इंडिया का ये इक्विटी का चार्ट है। ओके, अभी हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 डे। ओके, सो 1 डे में अगर आप देखोगे, सो दिस लुक्स टू बी अ गुड स्टॉप लॉस। सो स्टॉप लॉस क्या रहेगा आपका, 62.70 आप पकड़ लो, 62.70 दिस हाई। ओके, 62.70, ओके। देन एंट्री क्या रहेगा, ऑफ कोर्स यू कैन एंटर एनीवेयर बिलो 60.40, सो दिस इज माय एंट्री पॉइंट बिलो 60.40। एंड टारगेट, इफ यू सी हाउ आई डिसाइडेड द टारगेट,
अगर आप वीकली में देखोगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू होल्ड दिस फॉर 1 वीक, पहले वीक में कितनी गिरावट हुई थी? 70.56 से लेके 66, ओके, इसका मतलब 4.5 रुपीज. देन सेकेंड टाइम 66 से लेके 66 रुपीज. सो एटलीस्ट हम 4 या 5 पॉइंट्स का टारगेट लग सकते हैं इन वीकली. डू यू एग्री? ओके, सो अकॉर्डिंगली इन 1 डे चार्ट वी आर एंटरिंग एट 60.40 और टारगेट हम रखेंगे 55 का फॉर स्टडी पर्पस. ओके, सो अभी हमें क्या करना है, दिस इज द चार्ट विच आई हैव एक्सेल शीट में बनाया हुआ है. स्टॉक नेम क्या है, मैं डालूंगा बैंक ऑफ इंडिया. ओके, अभी यहां पे हमने देखा, ओके, यहां पे हमने एंट्री, हमने 62.70 का स्टॉप लॉस रखा था, 62.70. ओके, वापस एंट्री 60.30, यहां पे मैंने 60.30 डाल दिया और टारगेट रखा 55 का. लॉट साइज जो है ऑप्शन में दैट इज 6,000, सो वो ऑलरेडी डाल दिया है. अभी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हमको ऑप्शन में इक्वेलेंट क्या पकड़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सो ऑप्शन प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, आइए देखते हैं. आपको क्या करना है, तो वेब गूगल पे आईसीआईसीआई डायरेक्ट ऑप्शन कैलकुलेटर सर्च मारना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेस कर दिया. अभी इसके बाद में आपको ये साइट दिखेगी, इक्विटी ऑप्शन कैलकुलेटर. ओके, तो इसमें मैं क्या क्या फिल करूंगा, अगर आप देखोगे डिविडेंड हमेशा 25 ही रखना है, इंटरेस्ट रेट हमेशा 12 ही रखना है, ऑप्शन टाइप पुट, एक्सरसाइज टाइप हमेशा यूरोपियन ही रखना है, ड्यूरेशन लेफ्ट. अगर आप यहां से काउंट करोगे मंडे को, अगर हमने आप ये लिया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बिकॉज थर्सडे इज द डे ऑफ एक्सपायरी, तो 25 डेज बाकी है. ओके, एंड यहाँ पे हमें स्ट्राइक प्राइस फॉर लेसर रिस्क, आई एम टेकिंग आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक गिरने वाला है. सो यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस रख दिया 55. ओके, अगर आप देखोगे 55 का बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर का पीई इज रनिंग एट 1.8. ओके, सो ऑप्शन प्राइस इज 1.8 और फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया की प्राइस है 60.35, तो स्ट्राइक प्राइस, स्टॉक प्राइस है 60.35. ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले वोलेटिलिटी कंप्यूट करूंगा. वोलेटिलिटी आ गई 67.87 और क्योंकि ये मंडे को ही हम लोग ले रहे हैं और मैंने कैलकुलेट भी मंडे को ही किया है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम ये ड्यूरेशन लेफ्ट में 25 ही रखूंगा. अभी मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूट प्राइस करूंगा विद दिस वोलेटिलिटी. ओके, हमें एंटर कब करना है, एज पर दिस हमें एंटर करना है 60.3 पे. ओके, सो व्हेन दिस बिकम 60.3, मेरी ऑप्शन की प्राइस हो जाएगी 1.81. तो यहां पे मैं डालूंगा 1.81. ओके, तो मुझे कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, ये फुल वैल्यू आपको कैश में लगेगी, दिस इज 10,860. ओके, अब टारगेट 55, आई फील दिस कैन बी अचीव्ड टिल फ्राइडे. तो अगर आप देखोगे तो कितने दिन मुझे माइनस करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ऑलमोस्ट 20 डेज. तो अब मैं क्या करूंगा, सपोज इफ माई टारगेट इज अचीव 55, देन दिस इज डेज लेफ्ट 20. ओके, तो कितना प्राइस हो रहा है, कंप्यूट 3.29 हो रहा है ऑप्शन का प्रीमियम.
ओके 3.29, एंड इफ स्टॉप लॉस इज हिट, स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा ये भी कैलकुलेट करते हैं. सो व्हाट विल बी द ऑप्शन प्राइस, व्हाट विल बी द स्टॉक प्राइस इन केस इफ द स्टॉक इज हिटिंग द स्टॉप लॉस 62.7. तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 62.7 अगेन मैं 20 डेज ही रखूंगा, तो कंप्यूट. ओके 0.99 आपको दिख रहा है, सो 0.99. ओके सो इन केस इफ स्टॉप लॉस कितना होगा हमारा लॉस, दिस माइनस दिस, ओके 4920. बट इन केस इफ टारगेट इज हिट, दिस माइनस दिस 8880. ओके एंड इफ यू सी ऑलमोस्ट लाइक आपके प्रीमियम के डबल ये टारगेट आ रहा है. ओके सो इफ आई मेक इट लिटिल बिट बोल्डर, आपको भी ये हो जाएगा. ओके सो दिस इज हाउ आई हैव सिलेक्टेड द एंटायर थिंग, दिस इज माई सेटअप. मंडे को मैं देखूंगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है. इफ आई गेट अ कंफर्मेशन ऑन मंडे इन आवरली चार्ट कि यस मार्केट नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, एंड बैंक ऑफ इंडिया भी मुझे अगर सही प्राइस पे मिल रहा है तो समवेयर अराउंड 60.3 to 59.90 के रेंज में, ये रेंज में अगर मंडे को बैंक ऑफ इंडिया ओपन हो रहा है, यानी कि आप लिख लो ये रेंज में अगर ओपन होना चाहिए समवेयर अबाउट ये 60.45 से 59.90 के रेंज में अगर बैंक ऑफ इंडिया ओपन हो रहा है, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर द ट्रेड. अगर बैंक ऑफ इंडिया 61.74 या 62.20 ये सब रेंज में ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली आई विल अवॉइड दिस पूरा ट्रेड लेने को, एंड आई विल वेट फॉर नेक्स्ट कंफर्मेशन जब तक कि बैंक ऑफ इंडिया ये रेंज में नहीं आता है. सो ऐसे मैंने पूरा अपना इक्विटी ऑप्शन का ट्रेड सेटअप किया, एंड इफ यू सी देर आर वेरी हाई चांसेस, आप खुद देख सकते हो कि आपका पैसा हार्डली 4 दिन में डबल हो सकता है. सो इफ एनी कमेंट्स लेट मी नो, एंड डू अटेंड माई फेसबुक लाइव सेशन ऑन संडे 6th of October. एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर डिटेल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन, वी हैव अ नासिक क्लास कमिंग ऑन 13th of October इन नासिक. इट विल बी वन होल डे ऑफ सेमिनार जहां पे मैं टेक्निकल एनालिसिस के पूरे बेसिक्स इंक्लूडिंग लिटिल बिट ऑन ऑप्शंस भी सिखाने वाला हूँ. सो डेफिनेटली यू कैन अटेंड दिस एंड कॉल अस, एंड वी विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू. थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस वीकेंड.